प्यार करने के लिए कोई इम्पॉर्टेंट डे नहीं होता, प्यार करने वाले के लिए तो हर एक दिन इम्पॉर्टेंट होता है। प्यार करने वालों को सबसे ज़्यादा जो पसंद होता है वो होता है वैलेंटाइन वीक, क्योंकि ये एक फेस्टिवल की तरह है लवर्स के लिए। तो प्यार का त्यौहार यानी कि वैलेंटाइन डे शुरू होता है 7 फरवरी से। 7 फरवरी को रोज़ डे मनाया जाता है। रोज़ डे के एक दूसरे को प्यार भरा प्रॉमिस किया जाता है। फिर आता है 8 फरवरी प्रपोज डे, जिसे लवर्स एक दूसरे को प्यार भरा प्रपोज करते हैं। क्या आपने कभी किसी को प्रपोज किया है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। फिर आता है 9 फरवरी यानी कि चॉकलेट डे। इस दिन लवर एक दूसरे को चॉकलेट्स देते हैं और एक दूसरे को चॉकलेट डे विश करते हैं। फिर आता है 10 फरवरी यानी कि टेडी डे। टेडी डे के दिन एक दूसरे को टेडी गिफ्ट किया जाता है, जो उसके प्यार की निशानी की तरह होता है। क्या आपने किसी को टेडी गिफ्ट किया है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। 11 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है प्रॉमिस डे। इस दौरान इस दिन एक दूसरे को प्यार भरे गिफ्ट देकर या फिर जन्मों जन्मों का प्रॉमिस देते हैं प्यार करने का और निभाने का। 12 फरवरी यानी कि हग डे, एक दूसरे को प्यार भरा गले लगाने का दिन। 13 फरवरी यानी कि किस डे, इस दिन अपने प्यार को प्यार भरा किस दिया जाता है और अपने प्यार को शो किया जाता है। देन फाइनली आता है 14 फरवरी का दिन, जिसे वैलेंटाइन डे कहते हैं। पूरा वीक सेलिब्रेट करने के बाद वैलेंटाइन डे को धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लवर्स एक दूसरे को पार्टियों पे लेके जाते हैं, अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं, कुछ अच्छा डेट ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने दिन को और अपनी शाम को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, जो काफ़ी यादगार रहे। आप अपने लवर का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, उसे आई लव यू तो कहो। कहते हैं ना, प्यार किया तो डरना क्या, तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखो अपने लवर का नाम और आप कहाँ से हो, ये लिखना ज़रूर ना भूलना। और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइन डे।